चीज हक का चाउमीन बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है। चाउमीन सबको बहुत ही पसंद होती है, बहुत ही यम्मी है। चिकन के साथ बनाएंगे, आप ही अब देखते जाइए हम बनाते हैं कैसे। ये हम रख दिए हैं चाउमीन बॉयल होने के लिए। फिर हम ये चिकन लिए हैं, थोड़ा से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए एक चम्मच। फिर इसमें हम शेजवान चटनी डालेंगे एक चम्मच। फिर इसमें थोड़ा से हम नमक डालेंगे अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए, कम ज़्यादा अपने हिसाब से रखिए, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए थोड़ा से हम कलर ऐड करेंगे इसमें, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमारे मेरे तरीके से बनाएंगे, लाजवाब बनेगी हक्का चाउमीन। ये देखिए मेरी ये चाउमीन बॉयल हो चुकी है। इसको ज़्यादा हक्का चाउमीन को ज़्यादा नहीं बॉयल करते हैं, फिर ये ख़राब हो जाएगी आपकी। ये देखिए बस इसको अलग अलग इस चम्मच से हम कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए हम हाथ से चेक कर रहे हैं हो गई है कि नहीं हुई। नहीं, बस थोड़ी सी कसर और रह गई। ये आप हाथ से चेक कर लिएगा कि ओवर कुक ना हो जाए। ये देखिए, ये देखिए बस हो चुकी है। एक बार और हम चेक करेंगे कि बस परफेक्ट ये हो चुकी है। और इसका हम चूल्हा ऑफ कर देंगे, इसका पानी गिरा के फिर हम इसको ठंडे पानी से धुलेंगे। ये काम आप ज़रूर किया करिए, ठंडे पानी से धुला करिए। फिर हम एक पैन रखी है, पैन में थोड़ा से तेल डालेंगे राई का। ये आप जैसे देख रहे हैं वीडियो में, ये थोड़ा तेल हो जाए हमारा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, ये आप आगे देखिए हम क्या ऐड करते हैं। इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हम मसाला लगा के रखे थे। ये देखिए पैन के अंदर जा रहा है सारा चिकन, हम डाल दिए इसमें। इसको ऐसे चम्मच की मदद से हम फैला लेंगे। ये देख रहे हैं जैसे आप वीडियो में मेरे वीडियो से बनाएंगे तो बहुत ही लजीज, बहुत ही यम्मी बनेगी। इसको ज़रूर मेरे वीडियो देख के आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार। फिर हम इसको ढक्कन डाल के रख दिए हैं, थोड़ा से कुक हो जाए चिकन। फिर एक बार हम ढक्कन हटा के फिर इसको अच्छे से हम चला लेंगे, ये जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको चला के फिर हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि चिकन कच्चा रह जाएगा, हम कवर करके नहीं बनाएंगे। फिर इसको हम हटा के फिर इसको चला लेंगे एक बार। फिर मेरा ये चिकन हो चुका है। फिर इसमें हम सब्जी ऐड करेंगे। फिर इसमें हम गाजर डाले हैं, फिर गरम कल्ला डाले हैं, ये शिमला मिर्च डाले, ये हम काट के रख लिए थे पहले से। ये इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा। फिर इसमें हम डालेंगे शेजवान चटनी डालेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून डालें, आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितनी आपको स्पाइसी चाहिए आप उसी हिसाब से रखिएगा। ये देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही यम्मी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार आप। फिर थोड़ा से हम नमक डालेंगे, आप नमक भी अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितनी ज़रूरत है नमक की उतनी डालिएगा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा से हम कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के, 1 से 2 मिनट के लिए हम रख देंगे इसको। ये हो चुका है हमारा 1 से 2 मिनट। ये देखिए सब्जी और सब कुछ मेरा बहुत ही परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि हमारी सब्जी भी हरी बनी रही। ये आप जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसे हम डालेंगे चाउमीन। ये देखिए अब चाउमीन आप देख रहे हैं ना, कितनी अलग अलग हमारी चाउमीन है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही है। फिर इसको हम चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। ये देख रहे हैं जैसे, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए ना कितने झटपट से बना है,
बहुत ही इजी है, इसको जरूर ट्राई करिए एक बार। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए हमारा मिक्स हो गया है। फिर इसमें हम थोड़ा डालेंगे सोया सॉस। ये देखिए डालने से बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ना कितना जबरदस्त कलर आया है। देखिए ना चाउमीन कितनी अलग अलग है। इसको अच्छे से मिक्स करके हम फिर इस पे डालेंगे चीज। जो ये स्लाइस वाली चीज होती है वो डालेंगे। तो इसमें हम डाल के इसको थोड़ा से कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जो हम बर्गर में डालते हैं वो हम डाले हैं चीज। ये देखिए डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बस। ये देखिए हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है। और निकालिए, एंजॉय करिए और सबको दीजिए, सबको खिलाइए। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।